Hello everybody and welcome back to English Future Day 8. I am Sachin Pal and today we are going to learn how to use verbs. जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आ जाती है तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें, तो यही सीखने जा रहे हैं आज हम। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस लिखा है, आप इंग्लिश सीखोगे, आप इंग्लिश सीखोगे। सीखना एक वर्ब है, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, वो है सीखना, तो इसकी ट्रांसलेट होगी यू विल लर्न इंग्लिश। सेकंड सेंटेंस है, आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करोगे, आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करोगे। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक है कोशिश करना और दूसरी वर्ब है सीखना। जो वर्ब पीछे होती है उसको हम आगे लाते हैं, जो वर्ब आगे होती है उसको हम पीछे ले जाते हैं, बीच में टू लगाते हैं। तो इसकी ट्रांसलेट होगी यू विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश, यू विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश। थर्ड सेंटेंस है, आप इंग्लिश सीखने के लिए बोलने की कोशिश करोगे। इस सेंटेंस में तीन वर्ब है, फर्स्ट है कोशिश करना क्योंकि सबसे पीछे वर्ब है, उसके बाद है बोलना और सबसे आगे जो वर्ब है वो है सीखना। तो देर आर थ्री वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, तो सेंटेंस की ट्रांसलेट करेंगे हम, जो वर्ब सबसे पीछे है कोशिश करना उसको हम इंग्लिश में आगे लिखते हैं। तो सेंटेंस होगा यू विल ट्राई टू स्पीक टू लर्न इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं जो वर्ब सबसे पीछे है सबसे आगे आई, उसके बाद जो वर्ब उससे आगे है वो आई, और उसके बाद जो सबसे आगे वर्ब है वो सबसे पीछे गई और बीच में हमने टू लगा दिया। एक बात ध्यान में रखें कि जब भी एक से ज्यादा वर्ब आती है तो उन वर्ब के बीच में गैप देने के लिए टू का यूज करते हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देने जा रहा हूं जिनका आपको ट्रांसलेट करना है। कुछ सेंटेंस इंग्लिश में होंगे, कुछ सेंटेंस इंग्लिश हिंदी में होंगे। जो सेंटेंस इंग्लिश में है उसके आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और जो सेंटेंस इंग्लिश में है वो आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, सेकंड है मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर सकता हूं, थर्ड सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करने की कोशिश कर सकता हूं, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कल अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, लास्ट सेंटेंस है कृपया मुझे समझने की कोशिश करो। मैं ये आपके सेंटेंस दो मिनट के बाद चेक करता हूं, आप इनकी ट्रांसलेट कीजिए। अब मैं आपके सेंटेंस चेक करने जा रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में एक वर्ब है सीखना, तो इसकी ट्रांसलेट होगी आई कैन लर्न इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर सकता हूं, इसका आंसर होगा आई कैन ट्राई टू लर्न इंग्लिश। इस सेंटेंस में दो वर्ब है, कोशिश करना और सीखना, जो वर्ब पीछे है वो आगे आती है, जो वर्ब आगे है वो पीछे जाती है, बीच में टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करने की कोशिश कर सकता हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में तीन वर्ब है, कोशिश करना, मेहनत करना और सीखना, जो वर्ब सबसे पीछे है वो सबसे आगे आती है। आई कैन ट्राई टू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश, इसमें तीन वर्ब है। अगर आपने सेंटेंस ऐसे बनाया है तो आपका सेंटेंस एकदम सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कल अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, इसका ट्रांसलेट होगा आई विल गो टू मीट माई फ्रेंड टुमोरो। लास्ट सेंटेंस है कृपया मुझे समझने की कोशिश करो, इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं दो वर्ब हैं, कोशिश करना और समझना, जो वर्ब पीछे है वो आगे आती है और जो वर्ब आगे है वो पीछे जाती है, बीच में टू का यूज करते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, अगर आपने इन सेंटेंस के ट्रांसलेट ऐसे किए जैसे कि मैंने आपको भी बताया है तो आपके सेंटेंस सारे सही है। अब मैं आपको कुछ
सेंटेंस देने वाला हूं, लेकिन इस बार सेंटेंस इंग्लिश में है और आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है यू शुड वर्क हार्ड, सेकंड है आई शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश डेली, नेक्स्ट है लेट मी रन फास्ट, नेक्स्ट है वेयर आर यू अबाउट टू गो टू लर्न इंग्लिश, लास्ट है लेट मी ट्राई टू रन फास्ट। अब मैं सेंटेंस आपके दो मिनट बाद चेक करता हूं। आई होप कि आपने इस इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया होगा हिंदी में। फर्स्ट है यू शुड वर्क हार्ड, इसकी हिंदी होगी आपको मेहनत करनी चाहिए। सेकंड है आई शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश डेली, मुझे रोज इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है लेट मी रन फास्ट, इसकी हिंदी होगी मुझे तेज भागने दो। नेक्स्ट है वेयर आर यू अबाउट टू गो टू लर्न इंग्लिश, इसका आंसर होगा कि आप इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ जाने वाले हो। लास्ट है लेट मी ट्राई टू रन फास्ट, इसकी हिंदी होगी मुझे तेज भागने की कोशिश करने दो। अगर आपने आप अपने सेंटेंस ऐसे बनाए हैं तो आपके सारे सेंटेंस सही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास डे 8। आई होप कि आपने सीख लिया होगा कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आती है तो उसको ट्रांसलेट कैसे करें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। बट हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। बाय बाय, सी यू।